अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। मैं अभी ना एक ये पार्क से यहाँ से गुजर रहा था तो मैंने देखा ये खातून हमारे साथ जो इस टाइम मौजूद है ये ना या बेंच पे बैठी हुई थी। तो मैं पहले इनके पास आया, फिर आगे इनसे पहले इजाज़त ली, पूछा कि एक छोटा सा इंटरव्यू अगर करना चाहें आपका तो क्या इजाज़त है। तो इन्होंने कहा ठीक है, कर लें आप इंटरव्यू। तो मुझे ऐसे लगा इनके चेहरे के तासुरात से कि कुछ ऐसे दुख हैं, कुछ ऐसे गम हैं जो इनके चेहरे से आया हैं और जो देखने में मुझे तो महसूस हुआ, तो मुझे ज़रूरत महसूस हुई कि मैं इनसे पूछूँ, इनका हाल पूछूँ। तो देखते हैं इनसे गुफ्तगू करके पता चलता है कि क्या क्या स्टोरी चल रही है इनकी लाइफ में। अस्सलाम वालेकुम। अगर आप वीडियो को यहाँ तक देख रहे हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लें और बाबा जी का घंटा दबाना नहीं भूलना, आई मीन बेल आइकन। क्या नाम है आपका? नाइला। नाइला, नाइला कहाँ से आई हैं आप? मैं यही से हूँ, पाकिस्तान से, लेकिन बाहर रही हूँ, दुबई में। अच्छा, बाहर रही हैं आप, आउट ऑफ कंट्री, कहाँ पर? दुबई। दुबई में कितना अर्सा रही हैं वहाँ पे? 10 साल। 10 साल, 10 साल दुबई रह के आई है ये। तो जॉब वगैरह करती थी वहाँ पे? जी। किस चीज का काम था? पार्लर का। पार्लर का काम था, तो मतलब बड़ा ट्रेंडिंग का काम है ये, तो पाकिस्तान में बड़ा चलता है, तो आप तो दुबई करके आई हुई है। हाँ, वहाँ से मुझे वो नेशनलिटी ये वो हर चीज वहाँ पे मुझे मिली थी, लेकिन मियाँ का काम इधर था इसलिए आना पड़ा। देखा, मुझे ना कुछ चेहरे के तासुरात आपके बता रहे थे कि कुछ लाइफ में ना दुखी चल रहा है, तो क्या वजह बनी है आप दुबई से वापस आई हो और आप कुछ अच्छे हाल में भी यहाँ पे बैठी नजर नहीं आ रही, क्या मजरा हुआ है? बस मियाँ की डेथ हो गई और उसके बाद लोगों ने जीने नहीं दिया, सबने सब कुछ छीन लिया और यहाँ तक कि पुलिस ने मेरे साथ बड़ी ज्यादती की, मेरी बेटी मुझसे दूर कर दी। बेटी कैसे दूर कर दी? चोरी का पर्चा दिया और चाइल्ड प्रोटेक्शन में छोड़ दिया उसको। नहीं तो पहले मुझे आप एक बात बताओ, क्या वो पर्चा झूठा था? जी झूठा था। उस चोरी में आप बिल्कुल मुलविस नहीं थी? नहीं थी, मेरी बेटी लेके गई थी मेरी दोस्त उससे और चोरी उसने की और पर हमारे पे गई, मैंने उसको उसकी सजा काटी, 1 माह 10 दिन 40 दिन में जेल में रही। फिर उसी ही लोगों ने उन्हीं लोगों ने मेरे पे फिर 9C का पर्चा मुंशियात का करवा दिया, जिसकी वजह से मुझे नफरत हो गई, मैंने ये नशा शुरू कर दिया। मतलब इस टाइम आप अब नशे पे लग चुकी हो? बस मेरी बच्ची आ जाए मैं सब कुछ छोड़ दूंगी। अल्लाह करे, मेरी तो दुआ है कि आपकी बच्ची वापस आ जाए। मुझे जो इनसे एक बात सुन के जो दुख हुआ ना, वो ये कह रही हैं कि पुलिस की तरफ से कोई चोरी का नाजायज पर्चा दिया गया। अल्लाह करे कि ये जो बात करें इसमें सदाकत ना ही हो तो बेहतर है, क्यों? क्योंकि पुलिस का नाम फिर से इन्वॉल्व हो रहा है इस केस में। मैं लाहौरी हूँ, हम लोग पंजाब में, और हम लोग पुलिस की जितनी रिस्पेक्ट करते हैं और पुलिस के जितने पॉजिटिव काम दिखाते हैं ना, आप मेरा चैनल, आप मेरा फेसबुक पेज देख सकते हैं, लेकिन जब जब पुलिस के बारे में कुछ ऐसी खबर मिलती है ना सुनने को, तो दुख भी उतना ही ज़्यादा होता है कि क्यों किसी भी करप्शन के पीछे या किसी भी गलत केस के पीछे पुलिस का नाम क्यों आता है। लाहौर में खासतौर पर मैं इस चीज़ को समझता हूँ कि अगर पुलिस का पुलिस की मौजूदगी यहाँ पर ना हो तो मेरे ख्याल हम लोग इतनी आज़ादी से सड़क पर भी ना फिर सकें, क्राइम रेट यहाँ तक बढ़ जाए। लेकिन जिस भी केस में पुलिस का नाम आता है वो क्यों आता है, ये IG साहब हो गए या पुलिस के जितने भी आला हुकाम हैं, उनको सोचना चाहिए कि ग्रास रूट लेवल पे ऐसा क्यों हो रहा है। तो अब मुझे एक बात बताएं कि आपके इदारों से क्या अपील है, आपकी बच्ची आपको कैसे मिल सकती है वापस? मेरी बच्ची मुझे मिल जाएगी वापस, वो अब मेरे साथ की लोगों को जाना पड़ेगा, जो अच्छे लोग हैं जो मुझे और मेरी बेटी को इस चीज़ों से बचा सकते हैं। क्या आपने अपने तौर पे किसी इदारे से, पुलिस से या अदालत में कोई रिजू किया, कोई कांटेक्ट किया किसी से जाके? मैंने मीडिया पे गई, वहाँ पे अप्लाई किया, सब जगह पे, एक दो जगह पे भी गई, लेकिन किसी ने सुनते सब है करता कोई नहीं है। सुनते सब है लेकिन करता कोई नहीं है, तो कोई उम्मीद है बाकी के बच्ची रिकवर हो जाएगी? इंशाल्लाह लेके आऊंगी मैं अपनी बेटी को। जितने अच्छे तरीके से आप बोल रही हो ना, एक तो मुझे यकीन नहीं हो रहा कि आपके साथ वाकई ये सारी ट्रेजिडीज हो चुकी हैं, और दूसरे नंबर पे जो नशे वाली बात आपने की है उसमें भी दिल काफ़ी दुखी है। तो सबसे पहले तो आप कोशिश करोगे ये जो अपनी नशे वाली आदत है ना इसको किसी तरह ख़त्म करो, है कोई इरादा ऐसा? क्यों नहीं, छोड़ दूंगी सब कुछ, मैंने आपको बताया मेरी बेटी आ जाए मेरे पास, इंशाल्लाह आ जाए, क्योंकि ये ज़िंदगी इस तरह ना अपनी ख़राब कर रही हो आप, तो ख्याल करो अपना, अल्लाह करे इंशाल्लाह मैं भी अपनी वीडियो में और देखने वाले जितने लोग हैं सारे ही अपील करेंगे इदारों से, पुलिस से खासतौर पे, कि इनकी बच्ची रिकवर करवा दें किसी तरह, ताकि एक ज़िंदगी इस तरह ही पार्क में बैठे बैठे गल ना जाए, ख़त्म ना हो जाए। आज ये अभी भी सेंसेस में बैठी हुई हैं, अच्छी तरीके से बात कर रही हैं, अभी अगर नशा शुरू कर भी दिया तो अभी स्टार्ट की स्टेज है,
लेकिन खुदा ना खास्ता बच्ची के गम में इस तरह ही ये ज़िंदगी यहीं पे ना ज़ाया हो जाए। तो खुदा रा ख्याल करें, चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो वाले जो हैं उनको भी चाहिए कि इस तरह के केसेस सड़क पे आम हैं। मैं एक आम शहरी हूँ, मुझे अगर एक केस यहाँ पे बैठा हुआ नज़र आ गया जिसके इतने दुख थे, तो जो स्पेशल एनजीओज रन कर रहे हैं, इदारे चला रहे हैं, उनको ये लोग नज़र नहीं आते क्या? बिल्कुल नहीं आते। 15 दिन में चाइल्ड प्रोटेक्शन के बाहर रही हूँ, भूखी प्यासी अपनी बच्ची के लिए बड़ा लड़ी हूँ, लेकिन इन लोगों ने मेरी नहीं सुनी है। वहाँ के जो जजेस हैं, मैं उनकी बड़ी रिस्पेक्ट करती हूँ, क्योंकि हमारे ख़ानदान में भी अच्छे लोग हैं। कानूनी इदारे जो हैं, ये सबको ये चाहिए कि हेल्प के लिए बैठे हैं। ये इन्होंने मुझे और दुखी कर दिया। मेरी बच्ची मुझे दे देते तो शायद मैं यहाँ पे कभी भी ना आती, लेकिन मेरी बेटी मुझे दे दें। मेरी रिक्वेस्ट है इनसे, ख़ास तौर पे चाइल्ड प्रोटेक्शन से, कि अब मेरी बच्ची दे दें, बस कर दें, वो सजा हो गई है हमारे लिए। देखें, आपके साथ मेरी भी रिक्वेस्ट है कि खुदारा इनसे रब्ता करें। मेरी वीडियो अगर कहीं किसी ऐसे इदारे तक पहुँचती है जो इनसे रब्ता करना चाहते हैं, तो कमेंट में या मेरी आईडी से किसी तरह मुझसे रब्ता कर लें, इन तक पहुंच जाएं। कोई इनकी ज़िंदगी की बेहतरी में, मैं आप मिलकर, कोई इदारा मिलकर कोई बेहतरी कर सकता है। खुदारा ऐसे लोगों की ज़िंदगी को हमने बचाना है, इनके दुखों के लिए इनकी बच्ची को रिकवर करवाएं जो इदारे हैं, जो इस चीज़ की अथॉरिटी रखते हैं। तो मेरी तो रिक्वेस्ट है कि हमारे शहर में इस तरह के केसेस बढ़ते जा रहे हैं, तो इनको जितना भी हो सकता है पॉसिबिलिटी, हम लोग इनको जो है ना, इनको इस तकलीफ से निकालने के लिए कोई सबब बने। तो ये थी एक छोटी सी आवाज़ मेरे शहर में, मेरे सराउंडिंग में मुझे नज़र आई है। मुझे ऐसा लगा है कि मैं कोई इसकी आवाज़ बन सकता हूँ अगर, या इसकी वीडियो मीडिया पे डाल के शायद कोई इस तक हेल्प पहुँच सके। तो खुदा रहे इस चीज़ का ख्याल रखें, और इंसानी हकूक जो है ना, वो बड़े ही मैटर करते हैं। इन दी एंड कोई छोटा सा मैसेज अगर आप देना चाहें इदारों को, लोगों को, अपने रिश्तेदारों को, तो मेरा प्लेटफॉर्म हाजिर है। बस मैं यही कहना चाहती हूँ, गलतियाँ इंसानों से होती हैं, जो मुझसे भी हुई वो कोई ना करे। और मेरे साथ सर्जरी हुई है, मैंने गलती तो नहीं की, लेकिन ज़िंदगी में बहुत कुछ हो जाता है, लेकिन अच्छा सोचना चाहिए। और मेरी रिक्वेस्ट है कि मेरी बच्ची मेरे तक पहुँचाई जाए, या मुझे मेरे साथ रब्ता करें, मेरी बेटी तक मुझे बताएं कहाँ पे है, मैं जाऊँ उसके पास। आमीन सुमा आमीन, हम सबकी दुआएं आपके साथ हैं मेरी बहन। अपना ख्याल रखो बहुत सारा, मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम।